हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंस हैकिंग यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो आने में बहुत देर हो गई क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मेरा अपना नहीं डाल पा रहा था। तो अब कम से कम हफ्ते में तो एक वीडियो आएगी ही आप लोगों के लिए, तो हम देखते हैं कि हम इसको कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। जो हमारा वीडियो है वो वीडियो है फाइल एक्सप्लोरर पे, जो कि विंडोज XP, विंडोज 7 या फिर विंडोज़ के जितने भी सर्वर आते हैं आप उसमें देखते होंगे फाइल एक्सप्लोरर। ये फाइल एक्सप्लोरर सबसे जो भी कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी चलाना जानता होगा उनको पता होगा कि फाइल एक्सप्लोरर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपके लिए नया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ अपने सिस्टम के स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं कि आपके लिए क्या आज के वीडियो में नया है। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है विंडोज़ 10 के अंदर। ये आपको विंडोज 7 XP देखे होंगे आपने, ये एक कॉमन चीज़ है जहाँ से हम अपने फाइल्स को आसानी से एक्सेस करते हैं। ये हमारे लिए एक आसान रास्ता कह लीजिए आप अपने शब्दों में, ये एक आसान जरिया है जिससे कि हम अपनी फाइल को ढूंढ पाते हैं। तो जिसके जरिए हम फाइल को ढूंढते हैं, इसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे, ये चीज़ सभी को पता होगा कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है विंडोज एक्सप्लोरर। तो जो एक्सप्लोरर जो है आपको यहाँ पे नीचे टास्क बार में दिखेगा, जिसे हम फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादा नया नहीं होगा आपके लिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है फाइल एक्सप्लोरर। तो इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको पहले से ना पता हो। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये फाइल एक्सप्लोरर आपको नीचे टास्क बार पे मिलेगा जब आप इसको ऑन करते हैं। ऑन करने पे आपको सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जब आप ओपन न्यू विंडो करेंगे तो एक नया विंडो ऑन हो जाएगा इसी का, फाइल एक्सप्लोरर का। तो आप यहाँ से नया विंडो ऑन कर सकते हैं फाइल में जाके। दूसरा है ओपन विंडो पावर सेल। जब आप पावर सेल क्या है, किस लिए यूज होता है, हम इसको किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन है। जब आप चेंज फोल्डर और सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे व्यू एंड सर्च, तो इसमें अभी आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं। व्यू के अंदर हम देखेंगे और सर्च के अंदर देखेंगे, तो इसको मैं इसी वीडियो में क्लियर करूँगा आगे। नेक्स्ट हमारे पास ये हेल्प है जिससे आप ये अबाउट विंडोज और हेल्प ऑन कर सकते हैं। इसको क्लोज करने पे ये क्लोज हो जाएगी। इसी में पिन टू क्विक एक्सेस है। जब आप किसी फोल्डर को खोल के पिन टू क्विक एक्सेस करेंगे तो ये क्विक एक्सेस वाली लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पाथ, ये सब है। अगर मैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अब हमें दिखेगा। जैसे मैं किसी फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ से कट कर सकते हैं, इसका पाथ क्या है पाथ कॉपी कर सकते हैं। ये मूव टू करने पे आप जहाँ पे इस फोल्डर को मूव कराना चाहते हैं वहाँ से आप इसे मूव करा सकते हैं। जैसे कि मुझे GLIT फोल्डर है, इसको मैं मूव करता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो ये फोल्डर मूव होके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फोल्डर मूव होके डॉक्यूमेंट्स में चला गया और ये रहा आपका GLIT फोल्डर। इसी तरीके से कॉपी टू काम करता है डिलीट। ये जो डिलीट है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा, ये टेम्प्रोरी डिलीट होगा। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। ये न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए है।
मैं ये अभी ये सब चीज़ इसलिए एक एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी वीडियो वैसे लोग भी देखेंगे जिनको फाइल एक्सप्लोर की चीज़ें में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। तो न्यू आइटम्स में हम जाके देखते हैं कि फोल्डर्स है, यहाँ से हम वही फोल्डर क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, ये एमएस ऑफिस की तरफ से दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उसका एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये इमेज के लिए है, ये वर्ड डेटाबेस पावर पॉइंट, इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सारी चीज़ें। ये है इजी टू एक्सेस। आप यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव किसी फोल्डर को आप मैप करके एज ए उसको ड्राइव एक्सेस कर सकते हैं। वो भी मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अभी मेरा पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो पहले तो मुझे इसको एक नेटवर्क में लाना पड़ेगा, तो इसको मैं किसी और दूसरे दिन बताऊंगा। पर मैं इतना ही, अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में वही क्विक क्विक एक्सेस है कि जिस फोल्डर को हमें बार बार हमें यूज़ करना होता है तो हम जल्दी से आसानी से क्विक एक्सेस में उसे हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने GLIT फोल्डर को क्विक एक्सेस में डाल रखा है तो ये मुझे दिख रहा है, मैंने 2 बारी ऐड किया तो ये 2 बारी मुझे दिख रही है। इसी तरीके से वंस ड्राइव जो है एक तरीके से स्टोरेज के लिए यूज होता है। इसमें आप अराउंड 50 GB के आसपास आप डेटा जमा कर सकते हैं आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट है। ये रहा दिस पीसी में जाने के बाद आप यहाँ से जो ड्राइव है ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। ये ड्राइव भी आपको वही फाइल एक्सप्लोरर में खुलेगा। इसी वजह से मैंने कहा था कि फाइल एक्सप्लोरर एक ऐसी जगह है, ऐसा रास्ता है जो जिससे कि हम सारे फाइल को आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड वही सारी फोल्डर है। नीचे हमें दिख रहा है एक नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है इसमें अभी कुछ भी नहीं है, नेटवर्क में नेटवर्क ऐड नहीं है। इस वजह से अगर ये नेटवर्क में होता तो एक नेटवर्क में जो पीसी है या जो प्रिंटर है वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही होती। जो भी डिवाइसेस नेटवर्क में शेयर हो रखा होता वो चीज़ हम यहाँ पे देख पाते हैं आसानी से। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोज करते हैं नेटवर्क डेमो। ऊपर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे कनेक्ट विथ रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ये सब है उस चीज़ के लिए जहाँ पे ये कोई पीसी होती कनेक्टेड, हम उस पर करते तो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, उनको रिमोट पे ले पाते हैं। तो जो टॉपिक किस तरीके से बच रही है उसको मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगा। इसके लिए आप घबराने की बात नहीं है और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको कोई क्वेश्चंस मन में आ रहा हो कि ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ बतानी चाहिए थी, ये अभी तक नहीं हुआ, तो आप इसको बता सकते हैं। ये है नेविगेशन पैनल। नेविगेशन पैनल में आप अगर आप देखेंगे तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें नेविगेशन पैनल इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो नेविगेशन पैनल है वो हट जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो ये नेविगेशन पैनल हट जाएगा। ये है एक्सपेंड ओपन फोल्डर। अगर इसको मैं हटा दूँ, शो ऑल फोल्डर्स में करता हूँ, तो इसके अंदर जो भी फोल्डर्स होंगे एक एक फोल्डर में हम देख पाएंगे इसके अंदर क्या है, फिर इसके अंदर क्या, पिक्चर्स के अंदर पिक्चर्स, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई थिंक कि आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना खुद से करेंगे, आपको पता चलेगा इस चीज़ को जितने पे। अब ये व्यू पैनल, डिटेल्स पैनल, ये इस साइड का व्यू पैनल है। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो दिख जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि ये कोई लिस्ट है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज आइकन है, ये स्मॉल आइकन है, ये टाइटल्स। तो ये स्मॉल आइकन टाइटल्स पे हम रहने देंगे। सेम चीज़ यहाँ पे लिस्ट है, लार्ज आइकन है, कंटेंट्स है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो मीडियम आइकन्स, डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में, जो ये डिफ़ॉल्ट था जब हम डिटेल्स पे रखे थे, तो पहले हमारा ये डिटेल्स इस तरीके से था।
अब ये सॉर्ट बाय है, सॉर्ट बाय में आप डेट कर लो, उस साइज टाइप कर लो। ये एक तरीके से सॉर्ट करने के लिए, आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको फिल्टर करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं क्योंकि इसमें इतना ही था। अब हम थोड़ा कुछ और बताते हैं, ये फाइल एक्सप्लोरर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, फोल्डर, और यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या है। राइट क्लिक जब हम इस पे करते हैं तो ओपन है पिन क्विक एक्सेस। अब जब आप पिन क्विक एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर चला जाएगा आपके फाइल एक्सप्लोरर के क्विक एक्सेस वाले जगह पे, ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। आप हमने देखा यहाँ पे पिन क्विक एक्सेस, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं रिमूव एक्सेस। अगर हमने कुछ परमिशंस दे रखे हैं किसी को, उसके लिए ये यहाँ पे स्पेसिफाई पीपल, ये उसके लिए है जैसे कि एक ही सिस्टम पे दो तीन यूजर बने हुए हैं, तो कोई एक फोल्डर है जो हम सबके लिए शेयर नहीं करना चाहते, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ से ये ऑनर दिख है, यहाँ से शेयर करके हम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें इसे शेयर नहीं करना है। ये है इंक्लूड लाइब्रेरी, तो जब आप ये ऐड करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप इसमें सेव कर सकते हैं। ये पिन टू स्टार्ट है, जब आप पिन टू स्टार्ट करेंगे तो ये फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेंगे, आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी हमने देख लिया, अब हमें अनपिन करना है फ्रॉम स्टार्ट, तो हम अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर दिए। अब ये जिप फाइल की कुछ चीज़ें हैं, तो जब हम जिप के बारे में पढ़ेंगे, जिप फोल्डर, तो उसके बारे में हम फिर आगे किसको करेंगे कंप्लीट। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, सेंड टू पे जाते हैं। सेंड टू में ये आप यहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, आप यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और ये है कट कॉपी, ये आपको भी आपको पता होगा, क्रिएट शॉर्टकट है, क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो जब हम क्रिएट शॉर्टकट करते हैं और इसको हम कहीं और किसी और जगह पे रख देते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब हमने क्रिएट शॉर्टकट कर दिया तो जब हम इस कैप्चर फोल्डर को यहाँ पे लाएंगे तो ये हमने रखा इस वाले फोल्डर में जो हमने शॉर्टकट क्रिएट किया, लेकिन ये रिलेट कर रहा है इसको। तो कुछ भी चेंजेस अगर हम इसमें करते हैं शॉर्टकट में, तो जैसे कि हमने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया, तो हमने शॉर्टकट में से डिलीट किया, लेकिन जब आप देखेंगे तो इस फोल्डर में से भी वो डिलीट हो चुका है। तो शॉर्टकट वो है कि जैसे कि डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स जमा हो गए हैं, तो आप एक शॉर्टकट बना लीजिए और उसका आप किसी और ड्राइव में एक्सेस दे दीजिए, या फिर आपका सी ड्राइव फुल हो रहा है और आप चाहते हैं कि सी ड्राइव मैं डेस्कटॉप पे ही रखूं फाइल फोल्डर, और वो चले जाए मेरे डी ड्राइव में, तो आप यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया। अगर आप इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्ड शॉर्टकट अगर स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बन गया। यहाँ पे मैं एक ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमें जो फोल्डर दिख रहा था अभी हमने न्यू करके बनाया, सॉरी न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, हम जैसे कि ये न्यू फोल्डर है, मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये फिनिश, अब ये फोल्डर बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से अब देखो, फिलहाल हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे ये हमें डेस्कटॉप पे दिख जाएगा। हम इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, तो यही सेम चीज़ हमें करना है डेस्कटॉप पे। मैंने अपोजिट कर दिया, तो सॉरी, इसके लिए मैं दोबारा से करके आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और इसका ब्राउज करके हम
चले जाएंगे जिस पीसी में, और जहां भी हम जिस फोल्डर को करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहां पे एक यहां पे अगर हम राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी अब हम इसके अंदर करेंगे तो वो चीज़ सेव होंगी डी ड्राइव में, वो चीज़ यहाँ पे डी ड्राइव में सेव होंगे। इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें सेव होती रहेंगे। तो आप इस तरीके से आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्टकट हमने क्रिएट कर लिया, डिलीट पता ही है आपको, रीनेम करने से ये फोल्डर का नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। और ये रहा प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद, ये जनरल में हम जाते हैं तो ये हमें डिटेल्स बताती है कि फोल्डर किस नाम से है, क्या उसका टाइप है। तो ये लिंक हमें बता रहा है कि एक ऐसा शॉर्टकट है जो लिंक है किसी और फोल्डर से, ये हमें बताता है कब क्रिएट हुआ, किस दिन मॉडिफाई हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ है हिडन, जब आप इस फोल्डर पे हिडन पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर हाइड हो जाएगा। अगर आप रीड ओनली पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर सिर्फ रीड ओनली के लिए रहेगा, कोई इसको इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप हिडन पे क्लिक करते हैं ये फोल्डर हाइड हो जाता है, फोल्डर यहीं पे है बट ये फोल्डर हाइड हो चुका है। तो हम इस फोल्डर को कैसे एक्सेस करेंगे? इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके हम फोल्डर्स सर्च कर लेते हैं। फोल्डर्स जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर दिखेगी। तो यहाँ पे शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये जो फाइल है हमें दिख जानी चाहिए, पता नहीं मैंने कुछ मिस्टेक करी है, मैं एक बार चेक कर लूँ। अप्लाई करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे देख रहा था ये फोल्डर यहाँ पे बना हुआ है, ये फोल्डर यहाँ से हट के इस जगह पे आ गया था, नीचे में ध्यान नहीं दे पाया तो ये फोल्डर शो हो गया। अब ये धुंधला दिख रहा है प्रॉपर, ये हमें नॉर्मल फोल्डर की तरह नहीं दिख रहा है। तो ये इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इस पर हिडन का टिक लगा हुआ है, इसको अप्लाई ओके करेंगे फिर ये नॉर्मल दिखने लगेगा जैसे कि हमें बाकी के फोल्डर्स दिख रहे हैं। वापस से हम इसको खोल जाते हैं कंट्रोल पैनल पे, और शो हिडन फोल्डर्स को हटा के डोंट शो कर देते हैं, या फिर हम जब रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो जो भी सेटिंग्स हमने चेंज किए हैं वो रिशिफ्ट हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में हम इसको परमिशंस देते हैं कि इस फोल्डर को कौन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसमें आप जब जाएंगे एडिट में तो आपको अभी जैसे इस यूजर को सारा एक्सेस है, अलाउ है, इसको भी सारा एक्सेस है, हम चाहे तो इसको डिनाई कर सकते हैं लेकिन हमें ये करना नहीं है तो हम इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे चाहे ये है एडवांस, तो यहाँ से भी हम इसको शेयर कर सकते हैं कि हमें किस किस को शेयर करना है ये फोल्डर, जैसे कि ये एवरीवन है। अगर मैं किसी फोल्डर को एवरीवन पे कर दूँ तो उस फोल्डर को कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो हम इसे कैंसिल करते हैं और वापस से डिटेल्स पे जाते हैं। तो डिटेल्स में आप यही पाएंगे कि फोल्डर क्या है, कैसा है, कौन से ग्रुप में है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, उसकी पाथ बताएगी। ये प्रीवियस वर्जन है, ये एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे बैक करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आने वाले टॉपिक में हम आपके लिए ज़रूर फिर से कुछ नया लाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे और आप इस चीज़ को अच्छे से जान पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ, आप सभी लोग कमेंट में रिप्लाई करें, जिनको जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं
उसके लिए एक रील छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के मैं डालूंगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मैंने एक फोल्डर बनाया, लेकिन मुझे ये फोल्डर चाहिए बिना नाम का। इसमें ना ही कोई नंबर होना चाहिए, कोई ना ही कोई सिंबल होना चाहिए, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। इसके नीचे बिल्कुल ब्लैंक, सिर्फ हमें ये लिखना चाहिए। इसमें जाते जाते मैं आपको एक चीज़ इसमें बताना भूल गया, जो कि इसमें बताना चाहिए था मुझे, तो सॉरी मैं वो बता देता हूँ। शेयरिंग में सिक्योरिटी, सॉरी कस्टमाइजेशन में, जब कस्टमाइजेशन में आएंगे तो ये जनरल आइटम दिखेगा कि इसमें सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। आप इसको एप्लीकेशन डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसमें क्या रख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं, म्यूजिक रख रहे हैं या वीडियो रख रहे हैं। इस तरीके से ये चूज फोल्डर है कि आपका इस फोल्डर में सबसे ऊपर क्या दिखता रहे। आप जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपके इस जगह पे दिखती रहेगी। जैसे कि इस वाले में ये एक पिक्चर दिख रही है हमें, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। ये जब रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो ये डिफॉल्ट हो जाएगी। और हम यहाँ से आते हैं चेंज आइकन में। ये इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। इसको हम इधर आते हैं, यहाँ से आप आइकन चेंज कर सकते हैं। अब आप देखें इस जगह पे ब्लैंक ब्लैंक दिख रही है। जब आप इसको सेलेक्ट करके ओके अप्लाई और ओके करेंगे तो जादू यहाँ पे देखिए क्या हुआ। अब आप सोचिए कि मैं यहाँ पे जैसे वन लिख दिया, अगर इस वन के जगह पे कुछ भी ना हो तो क्या ये फोल्डर ऐसे दिखेगा किसी को कि यहाँ पे फोल्डर है? जब तक कोई इस तरीके से ना करे सेलेक्ट तो कोई फोल्डर नहीं देख पाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करने के बाद मैं अगर हाइड कर दूं तो और भी नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग के लिए मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि अगर बिना नाम का फोल्डर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। जिनको जिनको पता है जल्दी से बताइए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूँ। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।